गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लास्ट क्लास में डिवीज़न कर रहे थे, डिवीज़न सीख रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 6.1 और 2 हो चुका था। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। 6.3 में हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है, बाकी मैंने नहीं लिखा है, जो कि आपको कॉपी में करना है। जो मैं समझा रही हूँ आप इधर देखेंगे, 5 की टेबल काउंट करनी है, डिवाइड, जैसे 5 से 5 को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, कैसे डिवाइड करते हैं, और आपको नाम भी पता होना चाहिए ये क्या होता है डिवाइज़र, ये क्या होता है डिविडेंड। अब क्या है इसका जो डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र का क्या करते हैं हम, टेबल काउंट करते हैं। क्या करते हैं डिवाइज़र की, टेबल काउंट करते हैं। कितने टाइम्स काउंट करते हैं तो देखना है, 5 की टेबल काउंट करेंगे, कितने टाइम्स करेंगे, हमारा 5 आना चाहिए। 5 की टेबल में कितने टाइम्स में 5 आता है, 1 टाइम में, तो ऊपर 1 आएगा, टाइम्स हमें ऊपर लिखना है, और ये 5 हमारा नीचे आ गया। 5 में से 5 सबट्रैक्ट करेंगे 0, तो ये क्या हो गया 0 हमारा रिमाइंडर, और ये क्या हो गया हमारा कोशेंट। जो ऊपर 1 है वो हमारा कोशेंट, डिवाइजर, डिविडेंड और ये रिमाइंडर। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। 5 की टेबल में 5 कितने में आता है, 1 टाइम में। अब क्या 30 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 3 3, 0 को 0, 30 हमारा आंसर आएगा सेम। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में जाएगा, ये ऊपर टाइम्स आता है, टेबल हमने किसके काउंट किए, डिवाइजर की, और टाइम्स जो है हमारा ऊपर आया है। 3 की टेबल 3 टाइम्स में करेंगे 1 आएगा। 0 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0। 24 को 1 से करेंगे तो आंसर क्या आना है हमारा, 24। 35 को 35 से डिवाइड करेंगे, आंसर हमारा 1 आएगा। तो 6.4 में, 6.3 में, फिल इन द ब्लैंक्स में, जो भी आपके सारे फिल इन द ब्लैंक्स है वो आज की डेट में आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 6.4 करते हैं। 6.3 में हमारी फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि कहाँ तक मैं यहाँ लिख देती हूँ, 6.4 का यहाँ पे मैं होमवर्क लिख रही हूँ, ए टू ओ तक आपको पूरा कंप्लीट करना है, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, 6.5 एक्सरसाइज करना है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स ही है, जैसे ऊपर क्या वैसे इसको भी हमें कंप्लीट करना है। लर्न टेबल फ्रॉम 1 to 16 एंड सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या करना है, 7 की टेबल काउंट करनी है, कितने टाइम्स काउंट करनी है हमारा, 56 आना चाहिए। तो 7 की टेबल में 56 कितने टाइम्स में आता है हमारा, 8 टाइम्स में आता है, तो टाइम्स जो है हमारा क्या होता है वो इधर आएगा, 7 8 56। इस तरीके से आपको फिल करना है। 4 की टेबल में 36 कितने टाइम में आता है, 9 टाइम्स में, कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में। 4 9 36, 4 9 36। अब ये क्या है, 81 है, तो 9 की टेबल में 81 कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में। 42 के टेबल में 7 की टेबल में 42 कितने टाइम्स में आता है, 7 6 42। तो आपको इस तरीके से लिखना है। ये जो हमारा 8 है, टाइम्स जो है, टाइम्स क्या होता है हमारा, कोशेंट, जो डिवाइड करते हैं तो हमारा कोशेंट जो होता है वो हमारा टाइम्स होता है। 5 की टेबल कितने टाइम्स काउंट की थी, 1 टाइम की थी, इसलिए 1 आया। 1 क्या है हमारा, कोशेंट है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा हमने, कोशेंट को फिल किया है। तो आपको इसमें भी ये सारी फिल इन द ब्लैंक्स कॉपी में करनी है, ए टू ओ होमवर्क है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 2, सॉल्व द फॉलोइंग। इसको हमें सॉल्व करके आंसर लिखना है, ओके। चल रोकने एक मिनट, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 3, ये भी आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भी हमें फिल करना है। 13 को 117 से डिवाइड करना है। तो अब तक तो हम तो टेबल पढ़ के ऐसे ही कर रहे थे, इसको आपको सॉल्व करके करना है। साइड में क्या करना है, 117 को 13 से करना है। 13 को 11 कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 11 जो है वो 13 से छोटा है, इसलिए हम 117 पूरा लेके चलेंगे। 13 के टेबल में 117 आता है, 13 9 117, माइनस करेंगे 0, तो आपका आंसर क्या हुआ, 9, ओके। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारा, 763 कितने से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। आप इसको रफ वर्क में डिवाइड कर सकते हैं,
इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। ये 7 और ये 7 इक्वल है, 7 के टेबल में 7 आता है, इसलिए हम इसको एक एक डिजिट लेके सॉल्व करेंगे। कितने टाइम्स में आता है, ऊपर टाइम्स लिखते हैं, 7 1 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 में से 7 माइनस का 0, एरो लगाकर 6 उतार लेंगे, तो हमारे पास नई डिजिट क्या हो गई, 6। 7 बड़ा है 6 छोटा है, तो ये नहीं जा पाएगा ना, तो क्या करेंगे हम इसमें, इस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम ऊपर 0 लगा देते हैं और ये दोनों डिजिट साथ में एक साथ उतार लेते हैं। दोनों डिजिट विदाउट 0 हम नहीं उतार सकते, जब हमें दोनों डिजिट की ज़रूरत है, ये डिजिट बड़ी है ये छोटी है, तो ये नहीं आता 7 की टेबल में, 6 आता ही नहीं है, तो हमें क्या करना है, दोनों डिजिट को उतार लेना है। तो दोनों डिजिट जब उतारेंगे तो ऊपर पहले हम 0 लगा देंगे, फिर नीचे दोनों डिजिट एक साथ उतार लेंगे। अब क्या हो गया हमारे पास, 63, 7 9 63, रिमाइंडर क्या है हमारा, 0। तो आंसर क्या होता है हमारा, जो कोशेंट आता है, कोशेंट जो आता है हमारा वो आंसर होता है, तो आंसर क्या है इसका, 109। ओके, ये भी करते हैं, दो मैंने कर दिए। अब क्या है, 418 को यहाँ मैं कर रही हूँ, मेरे पास उधर है, 418 को किससे करना है हमें, डिवाइड 2 से करना है, तो एक एक लेके चलते हैं। 2 की टेबल में 4 आता है, कितने टाइम्स में आता है, टाइम्स हम ऊपर लिखते हैं, 2 2 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 4 गया 0। अब नेक्स्ट डिजिट हमने क्या उतारी, 1। सेम अभी जो हमने सवाल किया था, 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो क्या करना है, हमें एक और नंबर की ज़रूरत है, एक और डिजिट की, तो क्या करेंगे हम ऊपर 0 लगा देंगे, दोनों डिजिट नीचे एक साथ उतार लेंगे। अब क्या आ गया हमारे पास, 18, 2 की टेबल में 18 आता है, आता है कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में, 2 9 18, सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 में से 18 को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया हमारा 0। तो आंसर क्या होता है, जो फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है, जो हमारा कोशेंट होता है, मीन्स ऊपर जो टाइम्स हमने ऊपर लिखे थे वो हमारा आंसर होता है, तो इसका आंसर क्या है, 209। अब क्या है, 15 की टेबल, 15 150, कितने टाइम्स में आता है, ये हमारा 10 टाइम्स में आता है, 15 10 115, तो आपको ये वाली फिल इन द ब्लैंक्स भी सारी करनी है। क्वेश्चन आपका 6.3 की फिल इन द ब्लैंक्स थी, जिसमें ए टू ओ पूरा करना था, 6.4 में ए टू ओ पूरा करना था फर्स्ट क्वेश्चन में, 6.4 का सेकंड क्वेश्चन में भी आपको पूरा करना है फिल इन द ब्लैंक्स। होमवर्क में यहाँ लिख रही हूँ सेकंड क्वेश्चन का, ए टू ओ इसमें भी, तो आपको ये सारी फिल इन द ब्लैंक्स कॉपी में कंप्लीट करनी है। ओके, और जो आपका डिवाइड है, अगर विदाउट डिवाइड आपका आंसर आ जाता है तो कर सकते, नहीं आता तो आप इसको रफ वर्क साइड में ऊपर रफ वर्क करके कॉपी में उसी पेज पे, जैसे ये पेज है, साइड में आप कॉर्नर में एक लाइन खींच सकते हैं जहाँ पे आप डिवाइड कर सके, ऊपर रफ वर्क डाल के डिवाइड करके आप अपना आंसर इधर फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर सकते हैं। आई होप जितनी भी डिवाइड मैंने समझाई है आपको समझ में आ गई होगी, और ये सारा होमवर्क आज की डेट में कॉपी में करना है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे सेकेंड टर्म हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि हमारे 15 दिसंबर से होंगे, तो आपको प्रिपेयर करनी है, और आपको नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, नाम और क्लास क्या होता है, बहुत टाइम में नाम नहीं लिखते हैं और फिर वो मिस हो जाती है कॉपी, किसकी कॉपी, बहुत प्रॉब्लम होती है चेक करने में, तो आपको अपना नाम क्लियरली, फादर्स नेम और क्लास पूरे अच्छे से लिखना है और टेस्ट पेपर फिर देना है, और आपके पेपर आई थिंक 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर, आज की क्लास आपकी यहीं ओवर होती है।